सारा अली खान का वो काला सच जो शायद ही कोई जानता होगा। सारा अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है। सारा अली खान का जन्म 12 अगस्त 1995 को हुआ था। सारा का एक भाई भी है जिसका नाम है इब्राहिम अली खान। सारा के दादाजी क्रिकेटर थे जिनका नाम मंसूर अली खान था और उनकी दादी का नाम शर्मिला टैगोर है। सारा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। सारा ने 9 साल की उम्र में ऐश्वर्या राय को शिकागो में डांस करते हुए देखा। फिर अपने पापा सैफ अली खान को बोला कि पापा मुझे भी बड़ा होकर ऐसा ही बनना है। सारा अली खान को अपने पापा की वजह से काफी ज्यादा पहचान मिली और सारा अपने पापा के काफी करीब थी। लेकिन बचपन से ही सारा अपने पापा से अलग हो गई थी क्योंकि अमृता सिंह और सैफ का डिवोर्स हो गया था। इसके बाद बच्चों की कस्टडी अमृता सिंह को मिल गई और सैफ अली खान को अपने बच्चों से मिलना जुलना अलाउड नहीं था। लेकिन सारा अपने पापा की बहुत लाडली थी और अपने पापा से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था उन्हें। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सारा को एक्टिंग में करियर तो बचपन से ही बनाना था, लेकिन उनकी माँ ने उनकी पढ़ाई को प्रायोरिटी देना सही समझा और सारा बचपन से ही पढ़ाई में काफी अव्वल रही। सारा ने अपनी स्कूलिंग मुंबई से करने के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई। न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सारा अली खान ने हिस्ट्री और पॉलिटिकल में अपनी ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई की। अपने ग्रेजुएशन के दौरान सारा का काफी ज्यादा वजन बढ़ गया था। वो 96 केजी की हो गई थी। अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। सारा को बचपन से ही PCOD डिसऑर्डर था जिसकी वजह से उन्हें वजन कम करने में काफी ज्यादा परेशानी आई। PCOD महिलाओं में एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। सारा अली खान ने अपना वजन कम करने के लिए 18 महीने तक काफी ज्यादा मेहनत की। उन्होंने इंडिया आने से पहले अपनी माँ को कोई वीडियो कॉल नहीं किया था और न ही कोई पिक्चर पोस्ट की थी क्योंकि सारा अपने फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी माँ को सरप्राइज करना चाहती थी। जब सारा मुंबई वापस आई तो उन्होंने अपनी माँ को बताया कि वो मुंबई वापस आ रही है, लेकिन अमृता सारा को पहचान ही नहीं पाई। उन्होंने देखा कि एक लड़की है जिसने सारा के सूटकेस पकड़ रखे हैं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो लड़की कोई और नहीं सारा अली खान ही थी। सारा को देखकर उनकी माँ एकदम हैरान हो गई। सारा जब छोटी थी तो उन्हें उनके पापा से नहीं मिलने दिया जाता था, लेकिन जब अब थोड़ी वो समझदार हुई तो वो अपने पापा से मिलने लगी। सारा सैफ अली खान को अब्बा बोला करती है। सारा कहती है कि मैं अपने अब्बा से दूर जरूर रह रही हूँ, लेकिन वो मुझे हमेशा माँ की तरह सपोर्ट करते आए हैं, इसलिए मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो मुझसे दूर है। साल 2004 के बाद सैफ अली खान और अमृता सिंह कभी भी एक साथ नहीं देखे गए, लेकिन सैफ अली खान और उनकी बेटी अक्सर साथ में देखे गए हैं। सैफ अली खान की दूसरी पत्नी एक्ट्रेस करीना कपूर और सारा अली खान के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन सारा अली खान करीना कपूर को अपनी अम्मी या माँ नहीं कहती है, वो उनके नाम से ही उन्हें पुकारती है और दोनों के अंदर काफी अच्छी तालमेल देखने को मिलती है। सारा करीना को उनके नाम से पुकारती है, इसमें ना तो सैफ अली खान को कोई प्रॉब्लम है और ना ही करीना कपूर को सारा से। सारा कहती है कि करीना और सैफ की फैमिली भी उनकी फैमिली की तरह ही है। वो कहती है कि मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे पास दो अच्छी फैमिली है। सारा और करीना को कई बार एक साथ देखा गया है। इसके अलावा सारा अली खान को तैमूर के साथ भी खेलते हुए देखा गया है। सारा ने बताया कि करीना उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। सारा कहती है कि मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि वो मेरे अब्बा की पसंद है। सारा कहती है कि जब भी वो करीना से मिलती है तो उनके बीच में ज्यादातर बातें काम के बारे में ही होती है। सारा अली खान अपनी माँ के सबसे ज्यादा क्लोज हैं। सारा अली खान ने अपनी माँ से ही बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सारा कहती है कि उन्हें कई सारी एक्टिंग स्किल्स एक्ट्रेस श्रीदेवी से मिली है। श्रीदेवी की चालबाज और सदमा मूवी सारा को काफी ज्यादा पसंद है। जिस तरह से श्रीदेवी अपने अलग अलग किरदार से लोगों के दिलों में जगह बनाती थी, वैसे ही मुझे भी अलग अलग रोल प्ले करने हैं, चाहे वो कितने ही चैलेंजिंग क्यों ना हो। सारा ने साल 2018 में केदारनाथ मूवी में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। एक्टर अभिषेक कपूर के द्वारा बनाई गई ये फिल्म सक्सेसफुल रही। इस फिल्म में सारा ने एक हिंदू लड़की का किरदार निभाया था जिसे एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है।
इस फिल्म की शूटिंग से लेकर रिलीज तक कई बवाल हुए और लोगों ने इसे लव जिहाद भी बताया और कईयों ने तो इसे बायकॉट करने की मांग भी की। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी बवाल हो गया था, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग को भी रोक दिया गया था। इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया, तब सबको लगने लगा कि ये मूवी अभी तक शायद कभी रिलीज नहीं हो पाएगी और सारा को भी कुछ ऐसा ही लगने लगा था। इसीलिए सारा ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा साइन कर ली और सिम्बा साइन करने के कुछ ही दिन बाद केदारनाथ का विवाद सुलझ गया और केदारनाथ फिल्म की शूटिंग फिर से चालू हो गई। लेकिन तब तक सारा सिम्बा की शूटिंग में बिजी हो चुकी थी। तब सारा पर अभिषेक कपूर ने केस कर दिया था कि सारा ने कहा था कि वो केदारनाथ की शूटिंग के लिए हर डेट पर अवेलेबल रहेंगी, लेकिन अब सारा मौजूद नहीं है। अगर सारा फिल्म की शूटिंग पर नहीं आई तो उन्हें 5 करोड़ का हर्जाना देना होगा। इस मामले में सैफ अली खान ने भी इंटरफेयर किया था और कोर्ट के बाद ये मामला सुलझा लिया गया था, जिसके बाद केदारनाथ फिल्म की शूटिंग भी चालू हो गई। सारा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि केदारनाथ और सिम्बा दोनों ही फिल्म की शूटिंग एक साथ हुई थी। सिम्बा की शूटिंग दिन में किया करती थी और केदारनाथ की शूटिंग रात को। कभी कभी तो मेरा मेकअप रास्ते में ही किया जाता था। इन दोनों फिल्मों की शूटिंग एक साथ करके मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन सारा को उनकी पहली फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था। सारा की दूसरी फिल्म सिम्बा भी 2018 में ही आई थी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। सारा अली खान सिम्बा की लीड थी, लेकिन ये सिम्बा के लिए पहली पसंद नहीं थी। लीड एक्टर को लेकर रणबीर सिंह को चुना जा रहा था, लेकिन एक्ट्रेसेस को लेकर मेकर्स में काफी कंफ्यूजन भी सुनने में आता था। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर लीड एक्ट्रेस बनेंगी तो कभी प्रिया प्रकाश। उन दिनों लव स्टोरीज वेब सीरीज की वजह से कियारा आडवाणी भी काफी चर्चाओं में थी। करण जौहर कियारा आडवाणी की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस थे और कियारा आडवाणी को ही कास्ट करने के लिए काफी ज्यादा राजी थे। लेकिन तब तक रोहित शेट्टी ने सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को कास्ट कर लिया था। सारा का सिम्बा में कास्ट करने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। रोहित ने बताया कि सारा उन्हें बहुत सारे मैसेज किया करती थी और सब में यही कहती थी कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। ऐसा करने के बाद रोहित शेट्टी ने एक बार सारा को अपने ऑफिस बुलाया, जिसमें सारा ने हाथ जोड़कर रोहित शेट्टी से कहा था कि सर मुझे काम दे दो। ये देखकर रोहित शेट्टी को यकीन नहीं हो रहा था और वो काफी भावुक हो गए। रोहित शेट्टी ने सोचा सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी मुझे काम के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। इस बात पर उन्होंने सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को अपनी फिल्म सिम्बा में कास्ट कर लिया। रोहित शेट्टी ने बताया कि सिम्बा मूवी में सारा अली खान को लेने के लिए उनसे किसी ने सिफारिश नहीं की थी। सिम्बा 2018 की सभी मूवीज में सुपरहिट थी, जिसमें 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था और इस फिल्म का रणबीर और सारा का गाना आंख मारे भी ब्लॉकबस्टर रहा। सारा अली खान करण जौहर के शो कॉफी विद करण में भी गेस्ट रह चुकी हैं। उसमें सारा ने बताया था कि कार्तिक आर्यन उनके क्रश हैं। उसके बाद सारा और कार्तिक को एक अवार्ड शो में इंटरव्यू करवाया गया। इसके बाद ये दोनों दोस्त बन गए और कई बार साथ दिखने लगे। तब कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म पति पत्नी और वो की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस वक्त वो लखनऊ में शूट कर रहे थे, तो सारा उनसे मिलने के लिए मुंबई से लखनऊ जा पहुंची। तब इस बात की चर्चा ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर एक बार जब सारा अली खान दिल्ली में फैशन शो कर रही थी, तब कार्तिक आर्यन दिल्ली पहुंचे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और इनको करीब रखने का काम किया इम्तियाज अली की मूवी लव आजकल ने। इनकी केमिस्ट्री को देखकर उनके फैंस इतने दीवाने हो गए और सोशल मीडिया पर इनकी जोड़ी को नाम दिया गया सार्थिक। ये मूवी ज्यादा ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हो पाई और इसके बाद सारा और कार्तिक भी ज्यादा समय तक एक साथ नहीं दिखे। इसके बाद सारा की एक और मूवी रिलीज हुई, जो कि थी कूली नंबर 1 की रीमेक, जिसमें सारा के अपोजिट वरुण धवन थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सुपरहिट नहीं साबित हुई। आइए दोस्तों, सारा की जिंदगी से और भी कुछ जुड़ी हुई सच्चाई जान लेते हैं। सारा को खुद को नवाब कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सारा के साथ जिसने भी काम किया है सब यही कहते हैं कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है और नवाबों वाला एटीट्यूड सारा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। सारा कहती है कि लोगों को लगता होगा मैं एक स्टार की बेटी हूँ, तो मैं बहुत महंगे कपड़े पहनती होंगी। कई बार सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करते हैं मैंने रिपीट कपड़े पहने हैं। हाँ ये सच है, मैं अक्सर कपड़े रिपीट किया करती हूँ। सारा ने इस बार जब गणपति जी की स्थापना की तो उनकी ये फोटो काफी ज्यादा वायरल होने लगी और कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी करने लगे और कुछ लोग उन्हें इस्लाम का ज्ञान भी बांटने लगे, तो कुछ लोग उन्हें मुस्लिम होने पर भी सवाल उठा रहे थे, कुछ लोग उन्हें कुरान का पाठ पढ़ा रहे थे।
लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों को सारा की बात काफी पसंद भी आई। सारा सिर्फ गणेश चतुर्थी ही नहीं बल्कि सारे त्योहार काफी धूमधाम से मनाती है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो या क्रिसमस हो। बॉलीवुड में इन दिनों नेपोटिज्म का विषय काफी चर्चा में रहा है और इस बारे में स्टार किड्स से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सारा से जब इस बारे में सवाल किया गया कि क्या सेलिब्रिटी के बच्चे होने पर बॉलीवुड में एंट्री जल्दी मिल जाती है, तो इस पर सारा ने कहा कि हाँ, बॉलीवुड में पहचान होने पर एंट्री तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन इसलिए ये संभव हुआ क्योंकि इसके लिए मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत की थी, उसी मेहनत का फायदा मुझे मिल रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, नेपोटिज्म के चलते आपको बॉलीवुड में एंट्री तो मिल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छा काम करोगे तभी फैंस आपको पसंद करेंगे। सारा को उनके लुक की वजह से नहीं बल्कि उनके नेचर की वजह से ज्यादा पसंद किया जाता है। सारा ने बॉलीवुड में कुछ ऐसी छाप छोड़ी थी कि एक मैगजीन में लिखा था कि सारा इन दिनों बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्री हैं। सारा को पार्टियां करना और शोर शराबा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सारा को पार्टी करना पसंद नहीं है। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी में सारा अली खान बेहद सुंदर नजर आ रही थी। इस शादी के लिए लहंगा उनकी मां ने पसंद किया था और अमृता सिंह चाहती थी कि उनकी बेटी काफी खूबसूरत दिखे। सारा अली खान बचपन से ही काफी शरारती रही थी जिसकी वजह से उन्हें काफी बार अपनी मां से मार भी खानी पड़ती थी, लेकिन सारा आज उतनी ही मस्ती करने वाली लड़की है। जब सिम्बा फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो रोहित शेट्टी ने बताया था कि जिस दिन बर्थडे का सीन शूट किया जा रहा था तब सारा अली खान ने रोते हुए बताया कि सर आज मेरा बर्थडे है। तभी सब इमोशनल हो गए और सारा का बर्थडे मनाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जब केक वगैरह सब आ गया तो सारा ने कहा मैं तो मजाक कर रही थी। दुनिया को अलविदा कह चुके एक्टर ऋषि कपूर ने भी सारा अली खान की सादगी की तारीफ की थी। दरअसल सारा की एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें काफी वायरल हो रही है जिसमें अपना सामान वो खुद ले जाते हुए नजर आ रही थी। इसे देखकर लोगों ने सारा की तारीफ तो की ही, साथ ही ऋषि कपूर ने भी ट्वीट करके उनकी तारीफ की। सारा अपने भाई इब्राहिम के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती है, वो उनके साथ बहुत बार फैशन शोज में चीयर अप करती हुई नजर आती है। सारा अपनी फिजिक को मेंटेन रखने के लिए भी काफी मेहनत किया करती है। बात करें स्पोर्ट्स की तो सारा को टेनिस खेलना बहुत पसंद है, वो कई बार अपने पापा और भाई के साथ टेनिस खेलते हुए देखी जा चुकी है। सारा को पिज्जा खाना, चाइनीज खाना और दिल्ली के छोले भटूरे खाना भी बहुत पसंद है, लेकिन अब उन्होंने फास्ट फूड खाना काफी कम कर दिया है। तो ये थी सारा अली खान की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें सीक्रेट फिल्मी टीवी, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।